इंदौर संभाग आयुक्त डॉक्टर पवन शर्मा के निर्देश पर इंदौर संभाग के दो स्थानों पर शराब के अवैध उत्पादन, परिवहन और अन्य शिकायतों पर छापामार कार्रवाई की गई। संभाग आयुक्त डॉक्टर शर्मा ने प्राप्त शिकायत के आधार पर दो विशेष दल गठित किए थे, जिन्होंने खरगोन जिले के बड़वा और धार जिले के सेजवाया में कार्रवाई की। संभाग आयुक्त डॉक्टर शर्मा ने कार्रवाई के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के दो अधिकारियों की अगुवाई में टीम गठित की, जिसमें महू एसडीएम अभिलाष मिश्र की टीम ने सेजवाया में स्थित फैक्ट्री में व्यापक अनियमितताएं पाई। यहां से शराब गुजरात भेजे जाने की तैयारी हो रही थी। बड़ी संख्या में यहां मजदूर भी काम करते पाए गए। संभागीय आयुक्त के निर्देश पर जांच उपरांत फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। वहीं यहां पदस्थ जिला आबकारी अधिकारी आरती गुप्ता को संभागायुक्त ने निलंबित भी कर दिया है। संभागायुक्त डॉक्टर शर्मा के मार्गदर्शन में धार के सेजवाया में ग्रेट गैलन वेंचर्स लिमिटेड सेजवाया में टीम द्वारा कार्रवाई में पाया गया कि 6 ट्रकों में भरी हुई शराब मिली, लेकिन कोई परमिट और डिमांड नोट नहीं दिखाया गया। लोडेड ट्रक में विस्की, स्टिकर, लेबर आदि में सिर्फ महीनों का उल्लेख किया गया था, जबकि नियमित स्टॉक में निर्माण की सही तारीख थी। बॉटलिंग में जनवरी और मार्च के स्टिकर नीचे पड़े थे, जिसका अर्थ है कि आज जनवरी और मार्च को बोतल बंद किया जा रहा था, लेकिन रिकॉर्ड मार्च के लिए कोई मिश्रण उपलब्ध नहीं दिखाता है। बताया गया कि दो वाहन इंदौर जा रहे थे लिखित रूप में, और अन्य ने अनौपचारिक रूप से कहा कि हम झाबुआ होते हुए गुजरात जा रहे हैं, जिसकी पुष्टि कर्मचारियों ने की, लेकिन लिखित में देने से इनकार कर दिया। आर के गुप्ता आसवनी प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी की प्रथम दृष्टा परिवेशन एवं नियंत्रण में कमी तथा पदे कर्तव्यों के निर्वहन में उदासीनता संपन्न अनियमितता परिलक्षित हुई है। श्री आर के गुप्ता आसवनी प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी को मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। कार्रवाई करने पहुंचे महू एसडीएम अभिलाष मिश्रा ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर कार्रवाई करने पहुंचे अधिकृत रूप से बयान देंगे। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए धार से जितेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। को प्लांट के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी और उन्हीं के निर्देशानुसार जाँच करने के लिए मुझे यहाँ भेजा गया है। अब अलग अलग बिंदुओं पर हैं, जो जो कि बिंदु जो हैं अभी सब डिसाइड हो रहे हैं, लिख रहा हूँ मैं उसमें क्या क्या जो आदेशित थे कि बैच नंबर और जो रूटीन स्टॉक रजिस्टर ये सब बिंदु जो रहते हैं, और जो भी फाइंडिंग है पूरी दे दूंगा उनको, उनके बाद वो उस पर वो टिप्पणी करने के लिए सक्षम है और वो बता पाएंगे।